पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है मैडम, और वो मैं आपको दूंगा। उसके लिए सिगरेट ना मिलना होगा। जूही कितनी खुश थी जब पहली बार मेरे साथ रीज रूम गई। कैक्टस वो क्या ना, इश्क में अक्सर आशिक देते हैं फूल, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कैक्टस कभी नहीं मुरझाएगा। बिल्कुल वैसे हम दोनों का प्यार भी कभी नहीं मुरझाएंगे। फ्लावर्स नहीं पसंद है, फूल मुझे कांटे पसंद है, तो वो दे दो। यूवी के साथ हुल्लड़ वाली चाय का मजा ही अलग है। होनी कहूं या अनहोनी, क्या कहूं उसे? मेरे हर सवाल का सिर्फ तुम ही जवाब हो। योविका, ओह टाइम लगेगा, बस दो मिनट में आते होंगे। देखो असली कॉपी बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मना भी नहीं करना है, वरना ये लड़की कोई गड़बड़ कर देगी। संभाल के। ठीक है सर। ये लीजिए मैडम आपकी रिपोर्ट। थैंक यू। नील की रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, डेथ बाय एक्सीडेंट कॉज है। तो उसने क्यों कहा था कि कुछ गड़बड़ हुई है नील के साथ यहाँ हॉस्पिटल में? पता नहीं ये क्या हो रहा है। हेलो। हाँ मैडम, रिपोर्ट मिली? हाँ रिपोर्ट मिली, और तुमने जैसा कहा था रिपोर्ट में वैसा कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे चुपचाप बता दो कि क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ। मैडम पक्का उन लोगों ने आपको झूठी रिपोर्ट पकड़ाई है। और ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है मैडम, और वो मैं आपको दूंगा। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसके लिए सिगरेट ना मिलना होगा। ठीक है, एड्रेस भेजो। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, अगर मैं वहां आई और अगर तुमने... नहीं मैडम, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको अफसोस नहीं होगा अगर। ठीक है, एड्रेस भेजो, मैं आती हूँ। सुनो, जो चार नामों की लिस्ट तुमने मुझे भेजी थी डोनर्स की, उसमें से मैंने तुम्हें नील पर अजवाज का एड्रेस देने को कहा था, राइट? क्या ये बता सकते हो उसे किस हॉस्पिटल में लाया गया था? सिटी हॉस्पिटल। रियली? मैं तो उसी हॉस्पिटल के बाहर। ठीक है, अब इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए कि मेरा डोनर नील ही है। अब समझ में आया कि ये दिल बार बार खिंचा क्यों चला आता है जहां योविका होती है। दुश्मनी होने के बावजूद मैं उसका अच्छा क्यों चाहता हूं? क्योंकि ये दिल
दिल तो तुमसे ही प्यार करता है। ये तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोडाउन बचे हैं और कुछ भी नहीं है। ये ऐसी सुनसान जगह पे क्यों मिलना चाहता है मुझसे? हेलो मैडम, जल्दी आ जाओ आप, देर ना हो जाए। मैं गोडाउन पे आपका इंतजार कर रहा हूँ। और मैडम, मेरा नाम फरमान है। मैं पहले उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिधर नील जी को एक्सीडेंट के बाद लाए थे। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। इसे क्या हुआ? सडनली इतनी जल्दी में क्यों निकल गई? मुझे लगता है आई शुड फॉलो हर। भैया बताओ ना क्या हो गया, पैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बताओ आपको क्या हुआ? महाजन से बदला लेने का वक्त आ गया है छोटे। अक्षत, यश तलवार का भाई अक्षत तलवार है, उसी तलवार फैमिली का जिसको तू अपना दुश्मन भी मानती है और जिससे नफरत करती है। भैया आप ये सब कैसे कर सकते हो? भैया मैंने आपको पहले ही वॉर्न किया था ना कि ईशा से हमेशा आप संभल के रहना। आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देता था कि आप उससे प्यार करते हो। एक्सेप्ट करोगे आप कि नहीं करोगे? जिससे आप प्यार करते हो उसे आप कैसे हर्ट कर सकते हो? हाउ कैन यू डू भैया? सिया मैंने जो भी किया तेरे और यश भैया के खातिर, उन्होंने जो किया उसका कुछ तो जवाब देना था। ओ प्लीज भैया, ईशा की क्या गलती थी उसमें? ईशा तो मेरी तरह इनोसेंट थी ना, जो गलती करता है उसको सजा मिलती है। और हम में और उनमें क्या डिफरेंस रहा भैया? और प्लीज आप जो मेरी बात कर रहे हो ना वो तो बाद में करना। आप तो मुझसे पहले भी ना अपनी फेक लव स्टोरी लेके घूम रहे थे। तो पहले गलती हमने की है या उन्होंने? बिजनेस राइवलरी के बदला लेने के लिए आपने फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर दिया? ये क्या लॉजिक है भैया? बदला लेने के लिए आपने ईशा से पहले दोस्ती की और अब क्या हो गया? हाँ आपका दिल ही टूट गया। अब बताओ कितना हर्ट हो रहा होगा ईशा को? अब आपको पेन फील नहीं हो रहा है? आपको कोई गिल्टी फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भैया समझो फैमिली क्या होती है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो अनाथ थी ना, मुझे फैमिली मिली, मुझे प्यार मिला। आपके पास तो सब कुछ है। बहुत नसीब वाले होते हैं भैया जिनको प्यार मिलता है। तो आपने ये सब क्यों किया भैया? अब हो गया जो होना था, खत्म हो गई मेरी लाइफ। व्हाट? शट अप ओके। अगर आपको गलती फील हो रही है तो जाके उसे सुधारो, जाके उसे सॉरी बोलो। ईशा भी तो सॉरी डिजर्व करती है ना भैया। सिया मैं कैसे, और क्या सॉरी काफी होगा? ईशा मुझसे नफरत करती होगी, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगी। एटलीस्ट आप अपना पार्ट तो निभाओ ना अच्छे से। अगर आप में गट्स है ना तो उसे जाके सॉरी बोलो। हेलो, कोई है? फोन करके देखते हैं। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। कोई है? सिया ने सही कहा,
बस एक बार ईशा से माफी मांग लूं। मानता हूं कि दोस्त की जिम्मेदारी निभाने में पहले कदम लड़खड़ाए हैं, लेकिन कहते हैं ना, आंख खुले तब सवेरा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।